लाइट्स ऑफ कर दूंगा तो और मस्त लगेगा, दिखाता हूँ। सो गाइस लाइट्स ऑफ होने के बाद तो अलग ही चमक रहा है, ये मेरा फेस भी नहीं दिख रहा। सो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाया। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे आप सब, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आज काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सो अभी गोलू लगा सोने में, मतलब मैं टीवी देख रहा है गोलू। सो हम भी टीवी देख रहे थे और कुछ कर नहीं रहा था मैं दिन से मॉर्निंग से, सो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं करा, इसलिए अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अभी हमारी मम्मी हमारे लिए बना रही है चाय, सो पहले चाय पीते हैं और सो चाय बन रही है और इसके साथ चाय के साथ क्या है, बिस्किट। सो चाय और बिस्किट खाते हैं और फिर दिखाता हूँ क्या करना है आज, क्या प्लान है आज का। सोने के अलावा कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब। मत करना, उठा ही तो रहा हूँ, टाइम देख कितना हो गया, उठ जाओ। अच्छा तो सोया ही कहाँ था जो उठेगा। चल ले। तो गाइस करण मिलने आया हमसे। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, गेम शो मजामा। पासवर्ड लिख वाईफाई का। सो वाईफाई कनेक्ट करवाते हैं, इसकी मूवी डाउनलोड करवाते हैं। मूवी डाउनलोड भाई क्यूआर दिखा दे भाई, पासवर्ड दिखा दे मुझे। सो कर मम्मी करण के लिए भी चाय बना देना। करण बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आया चाय पीने के टाइम पे। और वो तो जॉब अब कैसे चल रही है? चल रही है, बस कट रही है। किसके साथ गाइस काफी ज्यादा शाय है ये बंदा, ये बता नहीं पा रहा कैमरे के आगे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को। इसका भी व्लॉगिंग चैनल है, इसका भी व्लॉगिंग चैनल है। जो कि इसने प्राइवेट कर रखा है, रोज वीडियो डालता लेकिन। तो गाइस करण के साथ थोड़ा गपशप लड़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। सो गाइस एक्सटेंशन बोर्ड मांग रहा था हमसे ये, मैंने बोला यहाँ पे चार्जिंग में लगा दे इस साइड रखा रहेगा फोन। सो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे वहाँ पे रखना है, फोन यूज भी तो करना है, मतलब दो मिनट के लिए भी बंदा फोन नहीं छोड़ सकता, इतना ज्यादा आजकल के बच्चे एडिक्ट होते हैं फोन को लेके। ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, माँ बाप को देखो ये चाय और रोटी खाता है गाइस। चाय और बिस्कुट तो आपने बहुत कॉमन देखा होगा, चाय और रोटी हमारे यहाँ खाते हैं और ये भी खाता है बहुत दबा के। हैशटैग बिहारी बॉय। जिया हम बिहार के लाला। सो गाइस हम भी चाय पी लेते हैं। सो मम्मी ने हमें बिस्किट दिया ही नहीं, कह रही है बिस्किट लाना पड़ेगा दुकान से, जो कि हम आलस के मारे लाएंगे नहीं। बिस्किट ले आ भाई, मेहमान है, शर्म कर ले थोड़ी भाई। मेहमान से मैं वो कराएगा क्या? मेहमान नवाजी नहीं करेगा। सो चेयर्स गाइस। Yes. Guys, बोलो ये मेरी पर्सनल। अबे यार लॉक कैसे पता चला? सो गाइस गोलू को इसका लॉक पता चल चुका है, तो इसे हम छुपा के रखेंगे अब। अबे मत खोल, अबे रहने दे, उसमें मेरा पर्सनल डायरी है, देखने तो दे। अबे खोलना क्यों है, देखने के लिए? अबे रुक जा, अबे मत कर, तू पागल वागल है क्या? मैं देख खोल के देखूंगा तू। ये खोलता रहता है, इसे हम बुढ़ापे में देखेंगे। क्या मतलब कि लड़की की तरह लग रही है? सो गाइस ये इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, इसमें नंबर्स लिखे हैं। सो ऐसे पासवर्ड पहले पुट करते हैं, उसके बाद ही खुलता है। सो ये पासवर्ड मैंने काफ़ी छुपा के रखा था। तुझे मिल कहाँ से गया भाई? ये डब्बे में रखी थी, मैंने निकाली वहाँ से। सो गाइस कल हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी, सो हमारा गला बिल्कुल जाम हो चुका है, गले में खिच खिच लग रही है। सो मम्मी को बोलते हैं हम कि हल्दी वाला दूध बना देने के लिए। ये क्या हो गया गाइस, दूध पूरा गिर चुका है। मम्मी पूरा दूध गिर गया। दूध ना सही टाइम पे वीडियो बनाने के लिए आ गया, तो पूरा ही दूध गिर जाता। सो गाइस देख रहे हो लापरवाही का नतीजा।
सो गाइस अभी हम दूध तो गर्म हो चुका है, गर्म क्या हो चुका है तो उबल चुका है। सो दूध और हल्दी पीते हैं, उससे गले को रिलीफ मिलेगा थोड़ा। अगर देखेंगे इससे आराम नहीं हुआ तो फिर कब से रफ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि गला बिल्कुल जाम से लग रहा है। सो इसलिए हम बाहर भी नहीं जाएंगे, बाइक पे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। हल्दी वाला दूध रेडी हो चुका है, सो गर्म गर्म दूध पीते हैं। शाम का टाइम हो रहा है और भजन चल रहा है, बोलो डांस कर रहा है। और अभी बोल रहे थोड़ी देर पहले मुंह फुला के बैठा हुआ था कि मुझे क्या खाना है, पास्ता। सो मम्मी ने बोला कि अब तो खाना बन रहा है, खाना खा लियो। सो ये जिद पे आ रहा हुआ है पास्ता खाने के लिए। सो मम्मी गई है पास्ता लाने के लिए, सो पास्ता ला रही है। आगे का गोलू पास्ता बनाएगा, सो वो दिखाएंगे आपको। गाइस पापा अभी तक नहीं आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है आज पापा को आने में, देखते कब तक आते हैं। एक बार बताइए बिस्तर के ऊपर कम्बल रख के कौन काटता है, साइड में नहीं काट सकता इसका पूरा छिलका। पंचायत क्यों है, छिलका उलका सब गिरेगा, पंचायत क्या गई में काटे, शांति से बैठे बैठा नहीं जाता तुझे। तो भाई देख लो किस तरीके से बात करता है एक बड़े भाई से। सौरभ जोशी भी खतरनाक पोपट हो चुका है। मैं ये पल्स ट्रॉफी लेके आया था 5, उसमें से एक ट्रॉफी देख लो कैसी है, खोलो फाड़ के दिखाओ इसे। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एयर है, 50% गैस 100% गैस, गैस पूरी। सो मम्मी पास्ता लेके आ चुकी है, गोलू प्याज वगैरह काट रहा है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इतना जल्दी मच्छर गिरेगा ना। सो मम्मी पास्ता ले आई है, माइक्रो नहीं है पास्ता। तो पास्ते को पहले बॉईल करते हैं, माइक्रोनी है तो माइक्रोनी पहले मम्मी बॉईल करेगी। इतनी ज़्यादा ठंड है, अभी इसमें नमक डाल दिया इसलिए ये माइक्रोनी इतनी टेस्टी बनती है, यही है इसका राज। और इसमें हम मम्मी डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं। बात कर चुका है, अगर ये सही से नहीं काटता है तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया, वीडियो बंद तो होने का बता दे, वीडियो बनाने लायक आते भी छोड़ूंगा। सो देखो गाइस, सो गाइस मम्मी ऐसे बच्चों से काम करवाती है, मैगी मसाला मंगवा रही है। कुछ काम मत करियो, मैं वीडियो नहीं बना रहा। सो गाइस मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए कोई काम नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा कैमरा रख नहीं सकता, हार्ड होती है एक ब्लॉगर की ज़िंदगी। जल्दी काटो बोलो टमाटर, इतना टाइम लगता है आपको टमाटर का। ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो गाइस इधर हो रहा मसाला रेडी और ये हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है, मतलब माइक्रोनी बाद पास्ता बोल रहे हैं। इसके बाद ये मसाला तैयार हो जाएगा, फिर मसाला डालेंगे, ये मैगी मसाला भी डालेंगे इसमें, ये रहा। उसके बाद हम डालेंगे कैप्सिकम, शिमला मिर्च, उसके बाद पास्ता डाल देंगे, फिर हमारी मैक्रोनी रेडी। सो गाइस इसमें सारे मसाले डाल दिए मैंने, हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर और मैगी मसाला भी डाल दिया है। और मैगी हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है मसाला, और मैक्रोनी डालते हैं इसमें, अभी डालना है दाल, मसाला बन चुका है, लिखाइयो गाइस। अब डालते हैं माइक्रोनी इसके अंदर, माइक्रोनी मस्त बॉयल हो चुकी है। सो गाइस हमारी माइक्रोनी रेडी हो चुकी है, और पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, फिर निकालते हैं प्लेट में और खाते हैं। गाइस पापा टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। ये
खाई ना, टेस्ट कर लो ना, टेस्ट भी कर लो भाई, देखते हैं पर टेस्ट करके बताते हैं कैसा होना है। मैं मजी बस पड़ गई थी ना ही पड़ी, कैसा है? मस्त भाई, पापा ने बोला है मस्त, हम भी खा के देखते हैं। मटर और दीदी की मारते हैं, मस्त है बस। टेस्टी तो बहुत था माइक्रोनी, लेकिन इतनी ज़्यादा मिर्च हो गई थी, आंखों से पानी आ गया, कोई दिख रहा होगा। लेकिन एक नंबर बनी थी माइक्रोनी। सो थोड़ी सी चीनी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। तो गाइस खाना भी डन हो चुका है, गोलू भी खाई रहा है, मैंने खाना खा लिया है, और अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। खाना वाना खा लिया, पानी लेते हैं और चलते हैं सीधा ऊपर। सो गाइस ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ, और बिस्तर वगैरह सब सही कर लिया है, और अभी हमने पीसी ऑन कर लिया अपना, और अभी चल रहा है बाबू भैया का सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। सो थोड़ी देर ये चलाते हैं, उसके बाद एडिटिंग करता हूँ स्टार्ट, देखते हैं क्या करना है। सो गाइस देखो ये मैंने क्या इन्वेंट किया है, इतना प्यारा लग रहा है, मस्त मस्त व्यू आ रहा है। लाइट्स ऑफ कर दूंगा तो और मस्त लगेगा, दिखाता हूँ। सो गाइस लाइट्स ऑफ होने के बाद तो अलग ही चमक रहा है, ये मेरा फेस भी नहीं दिख रहा। सो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे बनाया, बताता हूँ, लाइट्स पहले ऑन करके आता हूँ। सो गाइस बताता हूँ कैसे बनाया मैंने। मैंने सबसे पहले इसको पहले निकाल दो। सो मैंने ये दिवाली की छोटी सी लाइट पड़ी हुई थी, तो मैंने इस कांच के बोतल के अंदर वो लाइट्स डाल दी पूरी, और मतलब ऐसे रोल करके वो लाइट डाल दी, और ये प्लग इन कर दिया, बस बन गई लाइट। सो काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है, आप भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। सो गाइस सरप्राइजिंगली वाटा सविद भी आ चुका है। सो गाइस लगता हूँ अब एडिटिंग पे, एडिटिंग ऑन करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही बने रहो मेरे ब्लॉग चैनल पे, आपको डेली ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।